पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भाजपा नेता की पिटाई के मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कुंदर की ब्लॉक प्रमुख और उनके पति का समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह की सदस्यता से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव के इस बयान से एक बार फिर सियासी हलचल पैदा हो गई है, जहां एक ओर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने भी कुंदर की ब्लॉक प्रमुख और उनके पति का भाजपा में किसी भी तरह की सदस्यता से इनकार किया है, तो वहीं अब सपा के जिलाध्यक्ष ने भी अपनी पार्टी से उन्हें नहीं बताया है। अब ऐसे में भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने घायल को इंसाफ दिलाने की मांग की है, तो वहीं पुलिस से जल्द कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन अभी तक मुरादाबाद पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कब और किसके खिलाफ कार्रवाई करती है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के लोग कुंदर की ब्लॉक प्रमुख और उनके पति को अपना बनाने से हिचकिचा रहे हैं। क्या कहना है उस पर आपका, क्या देखिए? देखिए, कुंदरकी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो समाजवादी पार्टी में नहीं हैं। उन्होंने अभी ये जो लास्ट चुनाव हुआ लोकल बॉडी का, MLC का, जिसमें इनके क्या नाम सैनी साहब का, सतपाल सैनी जीते हैं, और हमारी पार्टी से अजय मलिक साहब प्रत्याशी थे, उस चुनाव में इन्होंने इनके जिलाध्यक्ष के सामने, इनके माननीय मंत्री जी के सामने और जिला पंचायत चेयरमैन के सामने इन्होंने और इनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख है इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, तब से हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं तो वो मतलब भाजपा कह रही है हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन जिस जो पीटा वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये घटना बड़ी शर्मनाक घटना है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है बड़ा मतलब आचार विचार के बड़ा अच्छा होता है और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो घटना जिन्होंने अंजाम दिया है, और ये अंजाम तो ऐसे लोग तो आज की तारीख में या तो जेल में जो गुंडे हैं हमारी सरकार जब से आई दोबारा सरकार आई है, या फिर चले गए बाहर ऊपर चले गए। ये घटना बहुत दुखद घटना है और इसकी निंदा की जाती है पूरी तरह। हम जो संगठन का व्यक्ति था हमारा, वो उसने कुछ गाली नहीं दी, कोई उसने उनका नुकसान नहीं करा, उसका कोई माल नहीं चुराया, फिर भी उसके साथ जो घटना की है वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी हालत। अच्छा, जो बंटी नाम का जो युवक है उसके साथ में मारपीट हुई है, वो आपका कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी में है? वो निष्ठावान लड़का है, पार्टी का कार्यकर्ता है वो, और पार्टी के सभी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेता है वो। अच्छा, उसका कहीं कोई ऐसा रोल नहीं था जो इस झगड़े को जो है जानबूझ के इसको उस लड़के को, अगर वो अपनी जान नहीं बचाता जितने लोग थे तो मैं समझता हूँ उसकी जान बचनी मुश्किल थी। जिन लोगों ने मारपीट किया, क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमारा ऐसा काम नहीं करता। पार्टी के कार्यकर्ता सब समझदार होते हैं, पार्टी के निष्ठावान होते हैं, ये कहीं हमारी कोई पार्टी से लेने देने कार्यकर्ता होगा, ये समाजवादी के लोग हैं और इनको भी ये शायद समझ आनी चाहिए कि BJP सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई होनी है। और अभी ब्लॉक प्रमुख है, क्या वो भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या वो जो जिन ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए? देखिए, ब्लॉक प्रमुख की बात ही है, ब्लॉक प्रमुख समाजवादी का बना है और समाजवादी का बनने के बाद मेरी जानकारी में कहीं भी इसको पार्टी ने ज्वाइन नहीं कराया, पार्टी में जिलाध्यक्ष ज्वाइन कराते या प्रदेश अध्यक्ष कराते, तो इसे दोनों में से किसी ने ज्वाइन नहीं कराया, ये पार्टी से कोई लेना देना का नहीं है। जो वीडियोज है वो उस तरीके से कहा जाए कि आपसे कोई राय नहीं ली गई है? नहीं, किस संबंध में? जो इनका कहना है कि ये पार्टी के लोग हैं जो नहीं, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।